मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर उस वक्त हंगामा मच गया जब इस योजना में आवेदन करने के लिए लड़कियों का वर्जिनिटी और प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया, जिससे लड़कियों के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि क्या प्रदेश के मुखिया की नजरों में बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि शिवराज के राज्य में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर बवाल तब छिड़ गया जब योजना के लिए आवेदन करने आई लड़कियों का मेडिकल के टेस्ट के नाम पर उनका वर्जिनिटी और प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाने लगा, जिस पर नाराजगी जताते हुए लड़कियों ने कहा कि उन्हें इस टेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लिस्ट से उनका नाम हटा दिया, जिस पर कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कुंवारे होने का परीक्षण किया गया है, मैं सरकार से पूछता हूं कि आपने विवाह के लिए क्या मापदंड तय किया है और यदि कुंवारा होने का आपने कोई नियम बनाया हुआ है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, ये पूरी तरह से युवतियों का अपमान है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष अवधराज बलैया ने कांग्रेस पर राजनीतिक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विवाह में आने वाली कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई थी, इसलिए टेस्ट जायज है। जो कुंवारे होने का परीक्षण किया गया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने विवाह के लिए क्या मापदंड तय किया है और अगर कुंवारा होने के आपने कोई नियम बनाया है तो उसको सार्वजनिक किया जाए कि कुंवारा होने का क्या मापदंड है, क्या आपका उसमें गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर उसका स्पष्ट सार्वजनिक उसकी व्याख्या होना चाहिए। हमारे जैसे ज़िले में सिकल सेल और अनीमिया की बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चियों में आ जाती हैं, जो उनको लेकर मेडिकल टेस्ट की एक पूरी रिपोर्ट होती है, उसमें डॉक्टर की टीम उनकी पूरी शारीरिक जाँच करती है, तो उसमें सामान्य तौर पर उसकी हर प्रकार की जांच की जाती है। पिछले समय में अनुभव में ये आया है कि शादियों के दौरान कई बच्चियां ऐसी आई कि जिनकी शादी होने के बाद कई जोड़े दोबारा शादी कर लिए, इसलिए सावधानी के तौर पर बच्ची का पूरा मेडिकल टेस्ट होता है। दुर्भाग्यवश अभी इस बार की शादी में जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ बच्चियां प्रेग्नेंट आ गईं और गर्भवती बच्ची आ गईं, तो ऐसी स्थिति में उनको शादीशुदा मानकर उनकी शादी नहीं कराई गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेश के मुखिया को ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए कहा कि डिंडौरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किए जाने वाले सामूहिक विवाह में 200 से अधिक बेटियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने का समाचार सामने आया है। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ये समाचार सत्य है, यदि ये समाचार सत्य है तो मध्य प्रदेश की बेटियों का ऐसा घोर अपमान किसके आदेश पर किया गया, क्या मुख्यमंत्री की निगाह में गरीब और आदिवासी समुदाय की बेटियों की कोई मर्यादा नहीं है। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश पहले ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में देश में अव्वल है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। यह मामला सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट का ही नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के प्रति दुर्भावना दृष्टिकोण का भी है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।